नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल सब भाइयों और बहनों को मेरा लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के बारे में क्या स्टेटमेंट दी और जिसके ऊपर अभी मीडिया में और हिंदुस्तान में कैसा बवाल उठा हुआ है, क्या ऐसी स्टेटमेंट हमारे एक प्रधानमंत्री को ऐसी मतलब ऑन एट द ऑफिस ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जैसा कि आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और क्या बोला, और जबकि इन्हीं के मतलब जो समर्थक ऐसे शिवसेना इनका समर्थक है बजरंग दल, उन्होंने भी इस बात की कड़ी निंदा की कि ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। आप देख सकते हैं, नेशन विल नॉट फॉरगिव पीएम मोदी फॉर राजीव गांधी रिमार्क्स राज ठाकरे। सच में नेशन विल नॉट नेवर फॉरगिव हिम बिकॉज दिस इज वेरी लो एक्टिविटी डन बाई एवर बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसा अगर बोलोगे, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी जो लोग जो भगत जो बीजेपी के प्रो सपोर्टर्स अभी भी इस बात को अगर अच्छा समझ रहे कि उसने अच्छा बोला है, तो प्लीज़ यही बोलूँगा कि बहकावे से बाहर निकलें, इंसानियत की सोचें कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे हर धर्म हर मज़हब हर धर्म के लोग रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन कुछ लोग हैं जो मिलावटी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और नहीं रहने दे रहे एक साथ इकट्ठा जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो इस बारी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं सब को यही बोलूँगा कि सोच समझ के वोट दीजिएगा, जिसको भी दें बीजेपी को दें सोच समझ के दीजिए कि आगे आने वाली हमारे 5 साल की पीढ़ी जो आगे फ्यूचर जनरेशन है हमारी वो आराम से रह सके खा सके और इस टेंशन से बाहर रह सके जो भी चल रहा है देश में। अटैक्स हो रहे हैं, नक्सली अटैक्स हमारे जवानों पर हो रहे हैं और पीएम मोदी उनको एज इलेक्शन वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम यूथ ही कुछ कर सकते हैं और ये यूथ में बहुत पावर है। अगर हम यूथ चाहें तो हम किसी को भी तख्ता पलट सकते हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, बी वेरी अवेयर ऑफ इट। थैंक यू, लाल सलाम।